सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर शुरू की गई निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का हाल बेहाल दिखा। रीवा में छात्राओं को समय से साइकिल वितरित न होने के चलते बहुत सी साइकिलें खराब हालत में पहुंच गई। इन साइकिलों को मेंटेनेंस की जरूरत है, लेकिन छात्राओं को खराब हालत में ही साइकिलें दे दी गई। जो साइकिल छात्राओं को मिली है उनमें से ज्यादातर साइकिलों की टायर ट्यूब खराब है, चेन के साथ इनके ताले भी खराब हैं। छात्राओं को जो साइकिल मिली है उनकी हालत ऐसी थी कि छात्राएं इसे चलाकर स्कूल तक नहीं जा सकती थीं। मजबूरन छात्राएं साइकिलों को 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल लेकर चली गईं। जिम्मेदारों का जो जवाब आया वो शायद आपके गले ना उतरे। तो साइकिल मिली है, किस प्रकार की साइकिलें, क्या है? खराब मिली है। क्या क्या दिक्कतें हैं साइकिल में? कहाँ से लेके आए साइकिल? मार्कर क्रमांक 3 से। कहाँ से लेने गए थे, कौन सी स्कूल है ये, कहाँ पर आप पदस्थ हैं? किस पद पर हैं? तो कुल कितने अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये साइकिलें मिली हैं? तकरीबन सभी को इसी तरह साइकिल मिली है, सभी की साइकिलें खराब हैं। क्या नाम है आपका? यहीं के कर्मचारी आप स्कूल के? जिम्मेदार अधिकारियों की दलील चाहे जो भी हो, लेकिन तस्वीरों में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्राओं को जो साइकिल दी गई उन्हें कितनी मशक्कत कर स्कूल तक लेकर जाना पड़ा। हालांकि जिम्मेदार कार्रवाई की बात करते दिखे। कुमारी स्कूल से मार्थन क्रमांक 3 में आई थी कुछ छात्राएं, साइकिल उनको दी गई है। उसमें क्या है, सभी बच्चियां यहां से साइकिल खिसकाते हुए, ना किसी में हवा थी ना कुछ, और काफ़ी परेशानियां और भीगते हुए वो लेके गई यहां से। किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या है इसमें? देखिए, ये तथ्य आप लोगों के माध्यम से ज्ञान में है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा साइकिल वितरण में साइकिलों को ठीक ढंग से रख के उनको नहीं दिया गया है। आप वीडियो वगैरह भी आप लोग जो दिखा रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे जी हैं, वो उसकी जांच करेंगे और यदि इसमें किसी की लापरवाही पाई जाती है और आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत सही है तो संबंधित प्राचार्य हैं उनके खिलाफ और ये जो साइकिल वितरण के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है उनको नोटिस वगैरह देकर इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राही तक ठीक ढंग से मिलना चाहिए और वो सब मिलने वाली सामग्री भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। यदि कोई इसमें किसी ने विसंगति की है उसको समुचित कार्रवाई की जाएगी। साइकिल योजना जिसके सहारे बच्चियों को स्कूल जाना है, वो खुद साइकिल को सहारा देते दिखी। देखना होगा लापरवाह लोगों पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी। पंजाब केसरी के लिए रीवा से सुभाष मिश्र की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।